उसके लिए हो सकता है कि किसी सॉलिड के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत हो किसी फोर्स के लिए किसी बॉडी के लिए कम फोर्स की जरूरत हो ऐसा हो सकता है लेकिन ये पक्का है कि मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स कैन बी स्ट्रेस्ड एज वेल एज कॉम्प्रेस मोस्टली सॉलिड्स को हम लोग स्ट्रेच कर सकते हैं और कॉम्प्रेस कर सकते हैं ये ध्यान रखिए जैसे कोई कोई चीजें होती है हम लोग जब इंजीनियरिंग में थे तो उसमें हम लोग को ये सेम चैप्टर का पूरा एक बुक पढ़ना था है ना उसको कहते हैं मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स तो उसमें हम लोगों ने एक मोटे से स्टील रॉड को स्ट्रेच किया था कैसे किया था हाथ से तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते हाथ से थोड़ी होगा तो उसके लिए एक अलग से मशीन पूरा होता है जो इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है केवल उसका स्ट्रेस करके उस आ, मतलब उसको स्ट्रेच करके उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन कितना है वो निकालना होता है वो हम लोग का उसमें प्रैक्टिकल होता है ठीक है तो इसका मतलब ये हम लोग समझें कि कोई भी जो बॉडी है वो परफेक्टली रिजिड नहीं होता है उसको हम लोग स्ट्रेच कर सकते हैं कॉम्प्रेस कर सकते हैं बेंड कर सकते हैं ठीक नेक्स्ट हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है किसी एक बॉडी के शेप को या साइज को चेंज करने के लिए जो हम लोग फोर्स लगाते हैं वो डिफॉर्मिंग फोर्स कहलाता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ जो ये फोर्सेस हैं दीज आर डिफॉर्मिंग फोर्सेस ठीक है और ये इस तरह से जब बॉडी को खींचा जा रहा है तो आप देखेंगे नेक्स्ट फिगर में ये बॉडी थोड़ा सा इलांगेट हो गया देखिए इतना लेंथ इधर बढ़ गया इतना लेंथ इधर बढ़ गया है ठीक है तो ऐसा फोर्स जो बॉडी के साइज को या शेप को चेंज करता है दूसरा आप एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं जो बॉडी के शेप को चेंज कर रहा है यहाँ पे जब हम फोर्स लगाते हैं तो कुछ थोड़ा गड्ढा सा बन गया है तो इसमें हम लोग बॉडी का शेप चेंज कर रहे हैं इसमें बॉडी का शेप तो रेक्टेंगुलर है तीनों केसेस में आप देख पा रहे हैं लेकिन उसका जो साइज है वो एलोंगेट हो गया लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि बॉडीज के पास एक टेंडेंसी होता है कि अगर हम उसको डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के डिफॉर्म करेंगे तो वापस अपना शेप रीगेन करने की कोशिश करता है तो आप पहले फिगर में देखिए फोर्स लगाया गया और उसका असर आपको दूसरे फिगर में दिखा जिसमें सेकेंड फिगर में उसका इलांगेशन आपको दिख रहा है ठीक लेकिन जब हमने ये डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करा तो हमने देखा कि बॉडी जो है वापस अपने शेप को रीगेन कर लेता है ठीक है तो ऐसा जो बॉडी होगा डिफॉर्मिंग फोर्स तो हम लोग समझ गए नेक्स्ट हम लोग टर्म समझने जा रहे हैं इलास्टिसिटी इफ अ बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स जैसे ही हमने डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया और बॉडी ने अगर ओरिजिनल साइज और शेप रीगेन कर लिया तो हम लोग कहेंगे कि बॉडी जो है वो इलास्टिक बॉडी है और उसके इस प्रॉपर्टी को जिसकी वजह से वो अपना शेप रिगेन कर पाता है उसको हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं ठीक नेक्स्ट हम लोग परफेक्टली इलास्टिक बॉडी भी लास्ट क्लास पढ़े थे अगर कोई बॉडी अपना ओरिजिनल साइज और शेप कंप्लीटली और इमीडिएटली आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स रिगेन कर ले है ना मान लीजिए हमने डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया और उसके तुरंत बाद उसने बॉडी ने अपना क्या कर लिया अपना शेप तुरंत बाद और पूरी तरह से अगर वो रीगेन कर लेता है तो हम लोग कहेंगे रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है लेकिन उसका जो नियरेस्ट अप्रोच है उसका हमने एग्जाम्पल आपको बताया था क्वार फाइबर क्वार फाइबर जो होता है वो एक ऐसा बॉडी है जिसका जो क्लोजेस्ट होता है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी की जिसका शेप रिगेन हो जाता है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीटली एंड इमीडिएटली आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स तो आई होप कि इतना आप लोगों को समझ में आया था लास्ट क्लास भी समझे थे हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं इलास्टिसिटी का ऑपोजिट प्रॉपर्टी जिसको हम लोग प्लास्टिसिटी कहते हैं प्लास्टिसिटी क्या कहते हैं अगर कोई बॉडी को हम लोग पुश करें फोर्स लगाएं उसके शेप को या साइज को चेंज करें और वो वहीं पे रह जाए जो चेंज साइज या शेप है वहीं पे रह जाए वो वापस अपने शेप को रीगेन करने की कोशिश नहीं करे या रीगेन नहीं कर पाए तो हम लोग उस बॉडी को क्या कहेंगे उस बॉडी को हम लोग कहेंगे प्लास्टिक बॉडी ठीक है और उसके इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे प्लास्टिसिटी आई होप कि ये क्लियर होगा नेक्स्ट वी कम टू परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी प्लास्टिसिटी जो परफेक्टली शो करे मतलब बॉडी में कोई टेंडेंसी नहीं हो अपने रीगेन करने की आफ्टर प्लास्टिक बॉडी उसके बाद वो क्या कहलाएगा परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी कहलाएगा या नियरेस्ट अप्रोच टू परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी का अगर एग्जाम्पल लें तो वो है पुट्टी या पैराफिन वैक्स है बेसिकली पैराफिन वैक्स तो ये दोनों जो चीजें हैं इस पर अगर आप फोर्स लगाते हैं तो वो अपना शेप बिल्कुल भी रिगेन करने की कोशिश नहीं करता है तो यहाँ तक मेनली हम लोगों ने लास्ट क्लास पढ़ा था इसके बाद जो चीजें थी उसको बहुत जल्दी जल्दी में एक्सप्लेन किए थे तो उसको डिटेल में आज एक्सप्लेन करेंगे अब देखिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं Uh, मैंने पहले ही पूछ लिया है कि इसमें लास्ट क्लास वाले में आपको कोई दिक्कत नहीं है आई तो होप कि कोई दिक्कत नहीं होगा स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन मैसेज मी यू मे आस्क मी कोई भी चीज जो आपको समझ में नहीं आता है लास्ट क्लास से हम लोग बात कर चुके हैं कि बॉडी कोई भी बॉडी जो नेचर में है वो परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली प्लास्टिक नहीं होता है ठीक है इसके बाद जो हम लोग समझने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटर एटोमिक फोर्सेस के रिस्पेक्ट में हम लोग इलास्टिक बिहेवियर को समझने की कोशिश करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इस ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ग्राफ आपके फिजिक्स के क्लास में कई बार आएगा और आपके केमिस्ट्री के क्लास में भी कई बार आएगा ठीक है तो इस ग्राफ को अच्छे से समझने की कोशिश करिए लास्ट क्लास जो मैंने आपको समझाया था वो स्प्रिंग बॉल मॉडल के बेसिस पे समझाया था कि स्प्रिंग के बेसिस पे हम लोग कैसे इलास्ट्रिसिटी एक्सप्लेन कर सकते हैं उस पर भी थोड़ा हम लोग ध्यान देंगे लेकिन मेनली हम लोग अब इस ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश करेंगे एकदम नई चीज है इसलिए सब लोग यहाँ पे फोकस करिए देखिए अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करें आपको ये मालूम है कि कोई भी सिस्टम जो होगा वो अपने एनर्जी को मिनिमम बनाना चाहता है फॉर गेनिंग स्टेबिलिटी मतलब अगर उसका स्टेबिलिटी उसको बढ़ाना है स्टेबिलिटी बढ़ाना है तो उसका यह मतलब हुआ उसको अपना एनर्जी क्या करना होगा एनर्जी को डिक्रीज करना होगा लेस इज द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम मोर इज द स्टेबिलिटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है आप याद कर लीजिए इसको अब यहां पे आपको दिख रहा है पोटेंशियल एनर्जी ये किसी भी दो एटम्स जो आपस में इंटर एटॉमिक फोर्सेस से जुड़े होते हैं सॉलिड में जो दो एटम्स हैं वो कैसे जुड़े होते हैं इंटर एटॉमिक फोर्सेस से जुड़े हुए होते हैं तो ये इंटर एटॉमिक फोर्स की वजह से इन दोनों बॉडीज में क्या आता है पोटेंशियल एनर्जी आता है पोटेंशियल एनर्जी आता है ये पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से वेरी करता है उसको समझते हैं तो जब एटम्स के बीच का सेपरेशन आर नॉट होता है तो आप इस ग्राफ से देख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज मिनिमम ठीक है और जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है तो इस तरह के केस को हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं क्या कहते हैं स्टेबल क्या क्या चीजें मैंने बताई मैंने बताया कि सॉलिड में जो एटम्स होते हैं वो उन एटम्स के बीच में इंटर फोर्स होता है उन इंटर एटॉमिक फोर्स की वजह से वहां पे पोटेंशियल एनर्जी आता है आपको यहां दिख रहा है ये फोर्स है इंटर एटॉमिक फोर्स और उस इंटर एटॉमिक फोर्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आया वो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है कि इन दोनों एटम्स के बीच में सेपरेशन आर कितना है ठीक ये आर जब आर नॉट के इक्वल होता है उस समय पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है ठीक है जब ये आर किसके इक्वल होगा आर इक्वल होगा उस समय पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा और जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन है स्टेबल इक्विलिब्रियम को हम लोग ऐसे देख सकते हैं यहां पे आपको तीन फिगर बना हुआ दिख रहा है तीन मतलब ये फिगर आपको दिख रहा है जिसमें तीन बॉल रखे हुए हैं ठीक इसमें जो फर्स्ट फिगर है स्टेबल इक्विलिब्रियम को दिखाता है सेकेंड और थर्ड फिगर स्टेबल इक्विलिब्रियम को नहीं दिखाता है इन सब का नाम है जो आप लोग मैकेनिक्स जब पढ़िएगा उसमें मोशन से जो आगे चैप्टर्स बढ़ेंगे उसमें आपको एनर्जी नाम का एक चैप्टर आएगा वर्क एनर्जी और पावर उसमें आपको पढ़ना है तो ये वाला जो चीज है इसको हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं ये वाले को हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं और इसको हम लोग न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं ठीक है सीधा सीधा एकदम स्पष्ट है क्यों है आप सोचिए कि अगर इस बॉल के जो फर्स्ट सेवल इक्विलिब्रियम वाला बॉल है उसके इक्विलिब्रियम को अगर हम डिस्टर्ब करते हैं तो क्या होगा क्या वो चाहेगा कि वापस उस जगह आए कि भाग जाएगा तो आंसर यही है कि अगर आप उसको थोड़ा सा धक्का देंगे तो वापस उस जगह पे आने की कोशिश करेगा आप अगर इस स्ट्रक्चर से बाहर ही निकाल देंगे तब तो कोई बात ही नहीं है तब तो बात ही खत्म हो गई लेकिन अगर हल्का सा इसको यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस कर दें आप बताइए क्या होगा क्या आप समझ सकते हैं कि वो वापस आने की कोशिश करेगा एकदम तो ऐसा सिचुएशन जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है आप किधर भी मूव कराइए इसको इधर भी मूव तो भी वही होगा इधर भी मूव कराइएगा तो भी वही होगा ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया दूसरा आप अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को समझिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्लियरली आपको दिखना चाहिए हल्का सा मूव कराते, कराते हैं वो दौड़ दो, के भाग जाएगा मतलब ऐसा जैसे उसको बहुत परेशानी था बेचारा एकदम त्रस्त था कि कहां रख दिया भाई तो उसको जैसे मूव कराए वो भाग गया

क्वालिटेटिवली समझ में आ गया क्वालिटेटिवली मतलब उसके नेचर के बारे में हम लोग को एक ब्रॉड अंदाजा हो गया ठीक है इसके बारे में और बहुत डिटेल्स में पढ़ना है आप लोग को वो आप लोग एनर्जी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे इतने से हमारा काम हो जाएगा जो यहाँ हम लोग को समझना है वो काम हो जाएगा हम लोग जो केस की को डील कर रहे हैं वो आपको दिख रहा है ये ऐसा शेप है आपको दिख रहा है यहाँ पे यू का जो शेप है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम जैसा शेप है मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है जहां पे वो है अभी वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है कोई भी सिस्टम नेचुरली चाहता है जहां पे उसका एनर्जी क्या हो मिनिमम हो कोई भी सिस्टम नेचुरली वहां रहना चाहता है जहां पे उसका एनर्जी मिनिमम हो इसीलिए जो कोई भी बॉडी आप लेते हैं जिसको आप स्ट्रेच करते हैं स्ट्रेच करने से पहले जिस डिस्टेंस पे था वो उसका नेचुरल केस था उसका स्टेबल इक्विलिब्रियम था उसके अंदर की इच्छा है कि वो सबसे लेस एनर्जी स्टेट में रहे और इसीलिए वो वहां पे था लेकिन हम लोग उस बॉडी को डिफॉर्मिंग फोर्स लगाकर या तो खींचते हैं या कंप्रेस करते हैं या तो स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं तो क्या होता है उसका स्टेबल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है उस केस में वो बॉडी का जो पार्टिकल्स है उसका डिस्टेंस कुछ यहाँ आ जाता है या कुछ यहाँ आ जाता है अब सोचिए जब वो यहाँ आएगा तो क्या होगा अब बताइए क्या वापस जाने का उसका टेंडेंसी होगा या नहीं होगा वापस जाने का टेंडेंसी होगा वो मिनिमम एनर्जी अटेन करना चाह रहा है और इसीलिए जब हम लोग खींचते हैं खींचते हैं तो क्या होता है दो बॉडी है इस तरह से उनके बीच का सेपरेशन था आर नॉट खींचे तो ये बढ़ के आर नॉट से बढ़ के आर हो गया वेर आर इज ग्रेटर देन आर सारे मतलब जब हम खींचते हैं अब ये बहुत कम बढ़ता है लेकिन हम लोग दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा दिखा रहे हैं लेकिन बढ़ता बहुत कम है हर एटम के बीच का सेपरेशन बढ़ जाता है जब खींचते हैं तो हर एटम के बीच का सेपरेशन बढ़ गया अब सबके बीच का सेपरेशन बढ़ेगा तो वो बल्क में जो पूरा बॉडी है वहां पे भी तो थोड़ा बढ़ा हुआ दिखेगा कि नहीं दिखेगा तो वो यहां के वाले में आ जाता है आपको स्टेबल के दो का पॉइंट को हम लोग पॉइंट टू वन और थ्री ऐसे दिखा देते हैं तो थर्ड पोजिशन पे आ जाता है तो थर्ड पोजिशन से आने थर्ड पोजिशन पे आने के बाद क्या वो चाहेगा कि वो सेकेंड पोजिशन पे जाए हाँ चाहेगा लेकिन बेचारा मजबूर है क्योंकि हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के रखा हुआ है तो वो ताक में रहेगा वो इंतजार में रहेगा कि कब ये डिफॉर्मिंग फोर्स हटे और हम वापस टू पे चले जाएं, है ना बस तो वो थ्री से टू पे चला जाता है जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स हम हटाते हैं हर एटम वापस अपनी जगह पे जाने की कोशिश करता है और इसीलिए वो अपना शेप रीजेन करता है आई होप कि ये आपको क्लियर होगा एक बार देख लें चैट में भी पूछ लें सबसे यस my रिकॉर्डिंग इज ऑन आई एम रिकॉर्डिंग द लेक्चर Is, हाँ अनस्टेबल वाले का केस जो है वो हम लोग को यहाँ पे हमारा यूज नहीं होगा ठीक है ज, ज, जैसे आप एग्जाम्पल सोच सकते हैं कि पहाड़ी के एकदम टॉप पे अगर एक पत्थर को रख दें, आप उसको धक्का लगाइएगा तो वो एकदम नीचे जाके ही रुकेगा वो बीच में तो रुकेगा नहीं या वापस आने का उसका कोई टेंडेंसी नहीं होगा ये जस्ट एक एग्जाम्पल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हो गया जिससे आप अनस्टेबल को समझ सकते हैं ठीक है ग्राफ को रिपीट करें ग्राफ अभी और एक्सप्लेन करेंगे लेकिन इसमें जितना समझाए उससे कुछ कुछ समझ में आया क्या आप लोगों को ग्राफ अभी उसके नीचे एक और ग्राफ है तो दोनों ग्राफ को कंबाइन करके फिर से समझाएंगे ठीक है और कुछ लोग बता दीजिए आप लोगों तो को जो समझाए वो समझ में आया क्या कुछ कुछ चीजें स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है वो समझ में आ गया क्या so Shitesh kumar has raised hand if you, do you have any doubt no, i will not send the recording of the lectures maybe i will be uploading it on youtube channel okay Not? okay i have to disable your annotation also otherwise some of the people will keep on writing something see we will be doing the graph once more okay let me Share my video also, so that you may be able to. Okay, so I'm spotlighting my video. Only my video will be visible. It is spotlighted for everyone. Okay. So here it is. Now we will be understanding the graph uh, in, in detail also. And uh, we have some cases written here also that we will do. See.

आर से हम लोग इसको डिनोट कर रहे हैं वो आर आर हो सकता है ये आर वेरिएबल है मतलब आर छोटा हो सकता है कम हो सकता है ज्यादा हो सकता है बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं तो जब वो आर नॉट है तो इस ग्राफ से आपको क्लियर हो रहा है कि उसका पोटेंशियल एनर्जी जो रेड ग्राफ आपको दिख रहा है अच्छा अभी तो बस एक्सप्लेन करना ज्यादा लिखना नहीं कुछ